शहर के नंदनगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में कार्तिक महोत्सव धूमधाम और उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभुलाल ने बताया कि कार्तिक महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सदगुरु स्वामी टेऊनाम संकीर्तन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। बुधवार को प्रभात फेरी ओम प्रेम प्रकाश आश्रम से आरम्भ होकर शास्त्री नगर स्थित प्रीतम जयस्वानी के निवास पर पहुंची, जहाँ प्रभात फेरी का स्वागत लक्ष्मण दास हरवा, महेंद्र लोकवाणी, श्याम सुंदर, सागर जयस्वाणी तथा सुरेश आदि ने प्रभात फेरी का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इसके पश्चात संत शंभुलाल के सानिध्य में कुमार सद्दानी तथा नरेश मंगनानी ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। संत शंभुलाल ने सभी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रभात फेरी गणेशपुरा की ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर हरिकिशन वासवानी, प्रकाश कुंदानी, किशन चत्रानी, सतीश मोरवानी, चंचल दास, पवन, माया हरवानी, भारती आनंदानी, निशा आनंदानी तथा भावना लोकवानी आदि ने अपनी सेवाएं दी। इसी प्रकार जयपुर अमरापुर दरबार में भी कार्तिक महोत्सव के दौरान प्रतिदिन महामंडलेश्वर सदगुरु भगत प्रकाश महाराज के सानिध्य में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रचार प्रमुख नरेंद्र जयस्वानी ने बताया कि 4 नवंबर शुक्रवार को देव उठनी ग्यारस के उपलक्ष्य में प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभुलाल हिंदू सेवा मंडल मुक्तिधाम में प्रातः 11 बजे सत्संग करेंगे तथा शाम को प्रेम प्रकाश आश्रम में तुलसी विवाह होगा, जिसमें वर पक्ष सालिग्राम की रसिलाबाद से बारात वधु पक्ष तुलसी माता प्रेम प्रकाश आश्रम पर पहुंचेगी, जहां तुलसी विवाह धूमधाम से करवाया जाएगा।